हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज फिर सुबह सुबह वॉक पे निकले थे तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो भी बना लें। मैं थोड़ी सी जल्दी बात करूंगा क्योंकि मैं वॉक पे निकला था, तो मैंने कहा कि टाइम उसके बाद फिर मिलता नहीं है। इसकी भाई साहब की पहले ज़रा फ़ोटो देखें, इनकी कल फिर एक वीडियो आई पार्ट टू, तो पार्ट टू हमारा भी हाज़िर है। तो इसकी वीडियो में थोड़ी सी आप ज़रा देखें कि मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस जो देख रही है। इनके चैनल पे जाके देखें कि इन्होंने पहले वीडियो बनाई मेरे पे, मैंने उसका जवाब दिया, इन्होंने फिर पार्ट टू बनाया, अब ये पार्ट टू आपके सामने है। तो ये जो मेरी वीडियो के नीचे जो लोग जाके कमेंट कर रहे हैं कि मैंने अच्छी ज़बान यूज़ नहीं की या मैंने कोई अच्छा वो इन पे ज़्यादा वो कर दिया, तो भाई पहले इनकी आप ज़बान को देखें ना, मेरी ज़बान पर आप फ़ौरन आ जाते हो, पहले इनकी ज़बान पर देखें कि ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। और मुझे मजबूरन ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं है किसी किस्म का कि मुझे कोई रोकने वाला है या मुझे कोई मुझे प्रेशर कर देगा या मुझे करेंगे, मुझे कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जो भी डर है इसको डर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज इनकी वीडियो में दो तीन बातें थी जो मैंने क्लियर करनी थी। ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये करता क्या है? ये करता ये है कि भाई ये टोटे टोटे करके निकालता है, टोटे टोटे दिखाएगा, असल बात की तरफ नहीं आएगा। असल बात की तरफ इनका बिल्कुल ये लोग ये नहीं आएंगे, इनको पता है कि असल बात की तरफ आ गए तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। ये और इसका गुरु जो चेला, ये तो चेला है, जो गुरु है इसका आपी फियाज, जिसकी फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही है, और इसका जो सबसे बड़ा गुरु है वो भी है, उनको भी इंशाल्लाह मैं पूरा छतरोल करूंगा और ये करता रहूंगा। ये ना ये तू समझ के मैं तेरे कहने पे रुक जाऊंगा और तेरे कहने पे मैं प्रेशर में आ जाऊंगा या मैं डर जाऊंगा। इतना बच्चा कच्चे गलिया तो हमने नहीं खेली, और इंशाल्लाह तुझे मैं अभी पूरा खेलवा के जाऊंगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप, भाई हम नहीं रखते, हम अपना या तो वो रखते हैं अमेरिकन सिटीज़न या पाकिस्तानी। और गधे इंसान, और गधे, तेरे अंदर थोड़ी सी सेंस हो ना, तुझे बाहर की दुनिया हंस रही है तेरे पे। ड्यूल सिटीजनशिप सिर्फ हम लोग रख सकते हैं एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। जिसी इमिग्रेशन ऑफिस से कोई तेरा जान पहचान वाला ना, उसी से पूछ लेना। हाँ, सियासत में अगर मैं होता, पॉलिटिक्स में होता, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो शायद मेरी ड्यूल सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती। हम नहीं रख सकते ड्यूल सिटीजनशिप, सुन रहे हैं? और तूने क्या बोला बकवास की के, हाँ $800 वाली तूने बात, तो ये पता है पूरी दुनिया से छितर पड़ रहे थे उस, ये तो तूने एक और बकवास की कि मैं, हाँ जब तूने बोला कि ये आईपी एड्रेस कहीं से चेक होता कराची का, तो सुन मेरी जान, आईपी एड्रेस CPLC कराची ट्रेस कर सकता है। अब तू कराची किसी को फ़ोन कर, उनको पूछ कि CPLC अदारा क्या है। उस वक्त मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा था, पर कराची का ये अदारा है CPLC, ये चेक कर लेता है सारे आपके रिकॉर्ड, चेक कर लेता है आपके फ़ोन की लोकेशन, चेक कर लेता है ये जहाँ से आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ये सारे चेक इनके पास राइट है। अभी तो ये पाकिस्तान का बताया। हाँ, मेरे कनेक्शन हैं कुछ दिल्ली इंडिया के अंदर, गूगल के अंदर कुछ, वहाँ पे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो तेरी आईपी एड्रेस वो आसानी से वहाँ से भी चेक हो जाती है, लेकिन मैं तो ये वो नहीं बताऊँगा, वो मेरा अपना सोर्सेज हैं, वो मैं जैसे चेक कराता हूँ, ठीक है। और तूने क्या बोला कि टैक्स चोर, सॉरी ये गदार वतन। अब सुन मेरी जान, गदार वतन कौन है? ये तेरा, ये तेरी आपी फियाज, ये उसका गुरु, और वो बंदे जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे जाके 21 तारीख को मेरे ख्याल पाकिस्तान में होता है, हाँ 21 तारीख को या 22 तारीख को पैसे मिलते हैं, तो भाई आप उनको गवर्नमेंट को टैक्स दो, क्यों नहीं टैक्स देते आप? इनकम है ना, आपकी इनकम आ रही है, तो इनकम पे इनकम टैक्स कमाओ, वो आप उसको टैक्स दो, क्यों नहीं देते आप? उधर तो है, उधर तेरी आके गिची बंद हो जानी है, ऊपर से फिर बोलते हो कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, पाकिस्तान में रोडें ख़राब हैं, पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है, तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट करेगी ना, तो टैक्स चोर और गद्दार तो तुम हो, तुम सबसे बड़े हो, और ये तुम्हारा जो गुरु सबसे बड़ा चोर है, टैक्स चोर, इनको टैक्स चोर मैं बोलता हूँ, समझ गए? जाके आगे इनसे पूछ के इन्होंने टैक्स कितना दिया, जाके 21 तारीख को 22 तारीख को आके ये हमने कमाया, हमने ये कमाया, फिटे मुँह ऐसी लानत है ऐसी कमाइयों पे, जो ये लोग गवर्नमेंट को सरकार को एक रुपया टैक्स नहीं देते, बातें कर रहे हैं जी हमने जी ये कर लिया वो कर लिया, हम हातम ताई की औलाद, जाके गरीबों को खाना खिला दिया, लानत है तुम्हारी ऐसी कमाइयों पर भी, और लानत है ऐसे तुम्हारे कामों पर,
और तेरे पे सबसे बड़ी लानत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं शुक्र है मैं जिस मुल्क में रहता हूँ टैक्स देता हूँ, और टैक्स देता हूँ तो मुझे वहाँ पे सहूलतें मिलती हैं। पाकिस्तान में आता हूँ, मैं ग्रीन पासपोर्ट पे आया हूँ, मुझे तो नहीं पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे रोका भाई आप क्यों आए क्या आए, क्योंकि उनको पता चलता है कि भाई बाहर से आए हैं और ये टैक्स पेयर लोग हैं। और इसके अलावा तो ये बताता हूँ, ये जो तेरे नीचे कमेंट कर रहे हैं तेरे चेले वगैरह, मैं उनका नाम नहीं लेता, मुझे पता कौन कौन कर रहा है, लेकिन एक बात बता दूँ, तू जितना मर्जी फुदक ले तुझे ये कमेंट आया था पाक टीवी की तरफ से, पाक टीवी है या पता नहीं मुझे, हाँ एग्जैक्ट यही है, तुझे इतना बड़ा उसने चपेट मारी के यार तेरा दिमाग ख़राब है, जो बाहर रहते हैं कि वो इस तरह करते हैं, तू उनका जवाब क्यों नहीं देता, चोर क्यों बनता है, तेरे अंदर चोर है, अगर तेरे अंदर चोर है तो मुझे बता, तेरे अंदर चोरा तेरे अंदर जो अंदर घुसा हुआ है ना, जो कीड़ा घुसा हुआ है वो इंशाल्लाह बहुत दूर करूँगा मैं, तू फिक्र ना कर। और एक चीज़ समझ ले, ये ना समझी कि बेटा कि अमेरिका वाली है वो डर जाएगी, वो मैं उसको प्रेशर में करूँगा, मैं इंशाल्लाह सबके साथ खड़ा हूँ, जो जायज़ हेटिंग होगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और ये छोटे यूट्यूबर जो भी हैं जो इन पर इल्ज़ाम लगाया, चपेट तो तू ये हर जगह से मिल रही है, तू एक प्रूफ दिखा दे कि मैंने किसी छोटे यूट्यूबर से, आज मैंने इस चैनल पे वीडियो फेंकी है, चल इसी को कह दे कि आपसे कितने पैसे लिए हैं, तुझे यहाँ से जवाब भी मिलेगा और ऐसा सुथरा मिलेगा कि तू उठ नहीं सकेगा। चपेटे तो तू ये मैंने बहुत मारी है उस दिन परसों पहली वाली वीडियो पर। हाँ जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं मैं इनको से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी पहले वीडियो आई तो फिर मुझे इसके पे चपेट मारनी पड़ी, आप लोग क्या समझते कि ये चुप करके मारता रहे और मैं चुप करके बैठा हुआ ना मुन्ने। और एक चीज़ और तुझे मैं बता दूँ, मेरे पास ऐसा भी रास्ता था कि मैं ओवरसीज़ एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के अदारे से किसी सिक्योरिटी एजेंसी से मैं बात कर सकता था कि मुझे यहाँ से थ्रेड आती है, तो ये दो मिनट में उनका काम है उनका, लेकिन मुझे किसी ने कहा ना फाइट करो एंड आई विल बी डू फाइट विद यू, ठीक है इंटरनेट फाइट का मेरे से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैंने तुझे बोला था कि मैं मुल्तान बैठा हूँ, तू आ जा मुल्तान शहर में शेरशाह पे, और तूने उसका जवाब नहीं दिया, तू अभी सारी चीज़ें पता क्या करेगा, काट 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 के दिखाएगा, ये तेरे अंदर खबासत है, असल चीज़ नहीं दिखाएगा तू, तू काट 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 के दिखाएगा, और तेरे अंदर ये चीज़ है, तूने बोला कि मौसूफ ये बोल रहे हैं, तो तू जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है वो उसका जवाब क्यों नहीं देगा। मैं लोगों से और अगर तू अब ये अगर हक है ना, तू अगर सच्चा है तो मेरी पूरी वीडियो दिखाई और वीडियो पे जवाब भी दें। टैक्स वाली की बात मैं तुझे बोल दी तो तू असल गद्दार तो तुम लोग हो अपने मुल्क के साथ, टैक्स क्यों नहीं देते तुम लोग, फिर कहते जी पाकिस्तान में लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है, रोडें नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है, हॉस्पिटल, तो तुम लोग टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना, गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं करेगी। अच्छा फिर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये इनकी इंसानियत बताता हूँ तुम्हारे ये गुरुओं की, ये जो कमीने एक नंबर के गुरु हैं ना इनकी और भी इंसानियत। 21 मई ये डेट याद रख ले अपनी अपने दिमाग में, 21 मई या 2 मई 22 का लगा ले, हाँ मेरे ख्याल 22 का हुआ था, 22 मई को पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ था, याद है ना क्या हुआ था, PIA का जहाज़ क्रैश हुआ था और उसमें 100 के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, कितना बड़ा हादसा था। तेरे गुरु ने एक कोई अपनी वीडियो में कोई ताज़ियत की, एक कोई उन्होंने लफ्ज़ बोला, बोल वो साले अपने प्याज टीटे टमाटर आप ही के घर खेल रहे थे, लाने थे ऐसी काम पे, लाने थे ऐसी इंसानियत पे, यहाँ पे इंसानियत तुम लोगों की किधर चली जाती है, सो जाती है, गैरत यहाँ पे ख़त्म हो जाती है पैसे खातिर। और हम जो कितनी बार बोल चुके हैं तुझे कि वो जो इनके घर के पास जो दुकान वाला जावेद वाला क्यों नहीं उसको मोबाइल लेके देते, मेरे पैसे भी वहाँ पड़े हुए हैं अभी तक, वो एक महीने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल होंगे, वो मुझे पता नहीं वो वायरल होंगे या नहीं। मैंने उनको कहा कि उसको जावेद को मोबाइल लेके दो, ज़रूरतमंद बंदा है वो बनाएगा, शायद के वो ले लो मोबाइल, वो फलाने को दे दो। अब क्या आ रहा है जी, अब एक और नई फिल्म बन रही है, एक और नया कार्टून खोल रहा है वो जी, जावेद की साली बना रही है, वो साली चैनल बना रही है, वाह। एक वक्त ऐसा आएगा आप सारे सुनने वाले देख लो ना, चौक आज़म में सारे बंदे ऐसे कैमरा लेके फिर रहे होंगे सारे, हाँ भाई क्या हाल है वीडियो बना रहा हूँ, हाँ भाई तू क्या बना रहा है वीडियो बना रहा हूँ, समोसे वाला वीडियो बना रहा है, हर कोई एक ड्रामा शुरू हो जाएगा वहाँ पे। ये तुम लोगों ने जो ड्रामा किया हुआ ना इंशाल्लाह, और जिस दिन यूट्यूब वालों ने कहा ना ऐलान किया कि भाई हमने आप पैसे देना बंद कर देने, सबको हार्ट अटैक हो जाना उधर, सुन रहे मुन्ने। और आइंदा जो पंगा लेगा, और हाँ तूने मुझे वो जोड़ा एंडी बाजवा,
तो मुन्ने कब फिर मैं रिश्ता लेके आऊँ तेरे पास, बोल कब लेके आऊँ। और जो जिन्होंने मुझे बोला कि किसी ने एक कमेंट भेजा था कि क्या, मुझे अभी कमेंट भी नहीं आ रहा यार, हाँ मेरी कोई फैमिली है, और क्या नाम मेरे बीवी बच्चों के बारे, और भाई मैं सिंगल हूँ, आई एम अ सिंगल पर्सन, ठीक है, शादी होती ना तो मैं फिर यहाँ पे अपनी मिसेस के साथ घूम रहे होते आज, और ऐसे कुत्ते खानी में ना पड़ते, लेकिन मैं सारे स्मॉल यूट्यूबर के साथ हूँ जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और इनसे शाउट आउट की कोई होप लगा के बैठे हुए थे और इनको कोई नहीं दे रहे। इंशाल्लाह मैं फिर रोस्टिंग करूँगा तुझे, तो तेरी मैंने पूरी किस्तें 25-30 किस्तें रखी हुई हैं, तू तो बना डेली वीडियो, तुझे डेली चपेड़ क्या इधर से भी तो इधर से भी पड़ेगी। और ये मौसूफ तू जो आए जो जो बड़ा शुरू करता है अपने इंट्रो से, तो लानत है तेरी ऐसी सोच पे कि तुझे जब पता ही नहीं है एक चीज़ का तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है भैया, तू कर मेरे पे रोस्टिंग, तुझे फिर एक चपेट कल मिलेगी, करता रहे जितना, शायद तेरे व्यूअरशिप अप हो जाए। असल तेरा मसला ये है मुन्ने, असल में रोला ये है, तुझे व्यूअरशिप चाहिए, तू अपना बना जो भी बना, अपनी जो भी अपनी बना, फिल्म बना जो ड्रामा दिखा, तुझे व्यूअरशिप चाहिए। तुझे मैंने कल परसों आइडिया दिया था कि चुन्ने अपनी फैमिली दिखा, व्यूअरशिप ले ले, तुझे क्या मुश्किल पेश आ रही है। अब तूने बकवास की कि इसका अपना चैनल कोई नहीं, मैंने तुझे बताया मेरा अपना चैनल बना हुआ है 2018 का मेरा चैनल है, और मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस पर काम करने की, मेरे पास बहुत काम है, तुझे काम की ज़रूरत है ना, तुझे चाहिए भीख चाहिए, तुझे उनसे कुछ हड्डी चाहिए तो उनसे ले ले जाके घर जाके, तुझे तो बोला था मैंने कि जाके फियाज के घर में जाके उसका वॉशरूम धो ले आपी फियाज का, और जाके उनके घर में किचन साफ कर ले, कर उनका। अच्छा एक चीज़ और रह गई थी मेरे जहन में कि ये जो बार बार ये जो आप लोग जो इसकी वीडियो से आप जो आप देखते रहते हो मेरी वीडियो के नीचे जाके जो आप लोग कमेंट दे रहे हो जो आप करते हो, तो भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसकी वीडियो देखा करें फिर उसके बाद, अभी मैंने इस चैनल के नीचे इसी की वीडियो मैंने डाली है, पहले इसकी तरफ से कमेंट आया था तो फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि जहाँ तक जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो अगर उन वो ठीक है उनमें गुस्सा है कि ये ऐसे बकवास कर रहा है ये जी के अली, हाँ तूने जो एक और तूने बकवास की थी एक और बकवास कि जी अली और फियाज के मतलब कोई बात करेगा पाकिस्तान का गद्दार होगा, लानत है तेरे तेरे चेहरे पे, लानत है तेरे चेहरे पे, ठीक है सुन ले मेरी बात, ये गलत काम करेंगे चपेट खाएंगे, बेइज्जत करूँगा और करता रहूँगा, जो तू कर सकता है मेरा करके दिखा, ठीक है। और ये जो तू समझ रहे ना ये बहुत बड़े असासे हैं पाकिस्तान के, हमारी करेंसी नोटों पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, तू ये समझ रहा है ना मुन्ने, अब तू जो मर्जी कर ले जितना मर्जी भौंक ले कुत्ते की तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंशाल्लाह जितना मेरे के अंदर दम है मैं इनको पूरा बताऊँगा कि ये किसे पंगा लेके, तू समझ रहा है कि मैं यूके वाली को चुप करा लूँगा, किसी यूएसए में चुप करा लूँगा, मुन्ने मैं अकेला शुरू हुआ हूँ, और अभी जो दूसरी बात है कि इंडियन से तेरी बेइज्जती कराऊंगा, तू जो बात कर रहा है ना हिंदुस्तान ये वगैरह के वहाँ पे, हाँ मैं इंडियंस के साथ घूमता हूँ, दोस्त हैं अपने यार दोस्त हैं, जो कर सकता मेरा करके दिखा, सिख मेरे दोस्त हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, खाते हम साथ हैं, रहते साथ हैं, वहाँ पर घूमते साथ हैं, तो तेरे जैसे वहाँ चीटरों को ना, और मेरे खुदा की कसम मैं गलत 3 से 4 दोस्तों के कल भी फ़ोन आए थे, इंडियंस दोस्त हैं वहाँ बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने बोला यार ये चवल इंसान कौन भोंक रहा है इसको, फिर हम भी वीडियो दे दें, मैंने कहा ना आप लोगों ने वीडियो नहीं देनी, हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको भी इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह, और तेरे खिलाफ़ वो वीडियो बनाएंगे तो जो तू याद रखेगा कि किसे पंगा लिया था। तुझे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत है, ये आप नोट कर लें जो भी वे देख रहे हैं मेरी व्यूअरशिप देख रहे हैं, पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत है, एक ड्रामा चला था धुआं पाकिस्तान टीवी का 90s में, धुआं जो शायद जो उस ज़माने में अडल्ट थे जो जानते थे, PTV से कोटा से एक ड्रामा चला था धुआं, उसके राइटर हैं उसके हीरो थे आशिर अजीम, अभी देख आप यूट्यूब पे लिखें आशिर अजीम, और वो CSP ऑफिसर थे पाकिस्तान के, कस्टम में रह के चुके हैं, अभी उन्होंने छोड़ दिया बहरहाल कस्टम, तो वो टोरंटो कैनेडा के अंदर ट्रक चला रहे हैं, समझ रहे टोरंटो कनाडा के अंदर ट्रक चल, उनका अपना चैनल है ट्रकिंग का, वो भी जाके ज़रा
देख लें, और उनको भी जाके जरा ये जवाब दें $800 वाला, तुझे वहाँ से ऐसी पुट्ठी चपेट पड़नी है ना, वो तो मैंने उनको पैसे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो वो कहते हैं यार ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये घटिया है, अगर लोग हैं तो मैं तो घटिया नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा क्या कि अगर इन्होंने तुम्हें पाकिस्तान गद्दार बोला, जवाब दो इनको, इनको जवाब दो कि हम कौन है गद्दार। अब सुन लिया, गद्दार तू और तेरा चेला और तेरा गुरु, सुन रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तू तेरा गुरु और तेरा चेरे, वो जो है ना तेरी आपी, सबसे बड़े गद्दार है पाकिस्तान वो लोग हैं। मैं तुझे मुंह पे बोल रहा हूँ, जो कर सकता है कर, क्यों नहीं देते टैक्स तुम लोग, टैक्स चोर क्यों बने हुए हो? अगर गवर्नमेंट से वहाँ से कुछ कमा रहे हो तो वहाँ से टैक्स दो गवर्नमेंट को। अगर वहाँ से वेस्टर्न यूनियन से अपने कीसे में दबा के ले आते हो पैसे, फिर आके लोगों को दिखाते हो, तो उस टाइम जहाँ वहाँ पे हुकूमत को दो ना टैक्स को, जी ये हमने कमाया, ये हमारी इनकम टैक्स में से आप काटें, क्यों नहीं कटवाते? और इंशाल्लाह मैं यहाँ पाकिस्तान बैठा हूँ, ये मैं बात करके जाऊँगा लीगल डिपार्टमेंट, अपने वकील से भी बात करके कहूँगा ये इसके खिलाफ कोई एक्शन करें, कोई इनके खिलाफ अगर नोटिस भेजते हैं, अगर कोई इनकम टैक्स का, इनको जाना चाहिए, इनकम टैक्स है ये, कोई तुम्हें गिफ्ट नहीं आते यूट्यूब से, आते तोहफा ये लो, फिर आगे कहते हैं हमारे अबू जी के ख्वाब पूरे हुए, हमारे अम्मी जी के ख्वाब पूरे, ये ख्वाब सारे पूरे करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ज़रूरी बात, तेरी वीडियो का मैं जल्दी वेट करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरे कोई और भी 3600 काम होते हैं, तेरी तरह मैं वेला नहीं बैठा हुआ, आंखें तेरी खुलती नहीं है, पता नहीं क्या तू करता है ऊपर से वीडियो बनाने पे, वीडियो बना जल्दी बना, लेकिन होमवर्क पूरा किया कर। अब तुझे क्लियर हो गया ड्यूल सिटीजनशिप, मुँह पर चपेट पड़ गई, जाके गूगल पे जाके देख लिया कर, एज ए पाकिस्तानी हम ड्यूल सिटीजनशिप रख सकते हैं। अगर जो ये बाहर से लोग देख रहे हैं ना वीडियो, ये तुझे कमेंट के नीचे तेरे मुंह पे चपेट मार के बताएंगे कि ड्यूल सिटीजनशिप हम रख सकते हैं, अमेरिका के में भी, कनाडा के अंदर भी मेरा ख्याल है, और इंग्लैंड में भी मेरा ख्याल है, इन तीन मुल्कों का तो मुझे पता है, और दूसरे मुल्कों का शायद होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है। जो चीज़ पता है वो मैं तुझे क्लियर कर रहा हूँ, जो 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 चीज़ हमें नहीं पता वो नहीं पता। लेकिन आज अपने गुरु की और अपनी फ़ोटो देख ली, फिर तुम कहोगे कि हमें ऐसे लगा दिया, हमें ऐसे लगा दिया। अब तू करेगा क्या कमीन की, ये भी सुन ले मेरी से जाते जाते, तू करेगा रिपोर्ट इस चैनल की, करेगा, और तू जाके वहाँ पे जाके भौंकेगा कि इन्होंने बोला, तो मैं तेरे भी एविडेंस सारे दिखाने के लिए मेरे पास तैयार बैठे हैं, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ना तेरा वेट करूँगा वीडियो का, और तेरे साथ पूरा हाथ करके जाऊँगा इंशाल्लाह तेरी वीडियो, हाँ शुरू तूने किया एंड मैं करूँगा इंशाल्लाह। गेम अब स्टार्ट हुई है बच्चे, तुझे व्यूअरशिप ही चाहिए ना, व्यूअरशिप पूरी इंशाल्लाह दे के जाऊँगा। और हाँ रिश्ते का वेट कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी से भेज देना यार, ओके।